सब्सक्राइब कीजिए नीचे दिए गए रेड बटन से और बाद में बेल आइकन दबाएं हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर ज्ञान पर। एक बार फिर हम हाजिर है आपके लिए एक और बड़ी भर्ती की अपडेट लेकर जो निकली है उड़ीसा सब ऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में। दोस्तों इस रिक्रूटमेंट में हम आपको बताने जा रहे हैं कि क्या इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या पोस्ट के नाम है, क्या एज लिमिट होनी चाहिए, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है और कैसे आप अप्लाई कर सकते हो। इन सब चीज़ों की पूरी जानकारी लेने के लिए दोस्तों बने रहिए इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं इस रिक्रूटमेंट की पूरी जानकारी। दोस्तों उड़ीसा सब ऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में यह भर्ती निकली है जहाँ पर जूनियर क्लर्क या जूनियर असिस्टेंट के 1740 खाली पदों को भरने की तैयारी हो रही है। पे स्केल इस रिक्रूटमेंट के अंतर्गत आपको रुपये 5200 से 20200 के बीच दिया जाएगा जहां पर ग्रेड पे है रुपये 1900। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाए तो कैंडिडेट्स का प्लस थ्री एग्जामिनेशन में पास होना जरूरी है। वहीं हम आपको एज लिमिट के बारे में भी बता दें जो 18 से 32 ईयर के बीच होनी चाहिए। अब बात एप्लीकेशन फीस की कर लेते हैं तो जनरल और ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट्स को ₹100 फीस के रूप में जमा कराने होंगे। एससी एसटी कैटेगरी के लिए कोई फीस नहीं है। फीस कैंडिडेट्स ऑनलाइन या चालान फॉर्म के थ्रू जमा करा सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात की जाए तो कैंडिडेट्स का सिलेक्शन रिटन एग्जाम और प्रैक्टिकल स्किल टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। अब एक नज़र इंपॉर्टेंट डेट्स पे भी डाल लें। इस रिक्रूटमेंट पर अप्लाई करने की लास्ट डेट 29 जनवरी 2019 है और फीस पेमेंट की लास्ट डेट 6 फरवरी 2018 है। अब हम आपको बता दें कि कैसे आप इस रिक्रूटमेंट पर अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहले कैंडिडेट्स को लॉग इन करना होगा www.ossc.gov.in। यह उड़ीसा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पर जाकर आपको एक रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट जो इस रिक्रूटमेंट से रिलेटेड है को खोलना होगा और वहाँ से आपको पूरी डिटेल्स को रीड करना है। पूरी डिटेल रीड करने के बाद आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। दोस्तों इस भर्ती के बारे में और ज़्यादा जानकारी लेने के लिए आपको हमारी वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जहाँ पर जाकर आप डायरेक्टली इस रिक्रूटमेंट का ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट ओपन करके देख सकते हैं और साथ ही साथ वहीं से डायरेक्टली अप्लाई ऑनलाइन भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलना। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपके मन में इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं।